हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की नई वीडियो में। तो यहाँ पर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1940 में पास हुआ 1940 में पास हुआ। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या? तो देखिए, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। ठीक है, ये एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किया गया, विच रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। ठीक है, बिल्कुल ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स सोल्ड इन इंडिया आर सेफ इफेक्टिव एंड कन्फर टू द स्टेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है कि ये जो एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक सोल्ड इन इंडिया आर सेफ इफेक्टिव एंड मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दैट आर सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए ये बनाया गया। उसके बाद हम बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 1 जनवरी 2006 से सभी आयुर्वेद व जुनानी औषध निर्माता निर्यात योग्य आयुर्वेद उत्पादों में हैवी मेटल्स की मात्रात्मक जांच और पैकिंग के ऊपर हैवी मेटल्स विद इन परमिसेबल लिमिट्स अवश्य अंकित करेंगे। यानी कि 1 जनवरी 2006 से जो आयुर्वेदिक एंड औषध जुनानी वाले औषध निर्माता हैं, वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने किसी भी दवाई के अंदर हैवी मेटल्स डाला है, तो उन्हें उन्हें उसके लेबल पर जो परमिट की गई उसकी औषधीय मात्रा है, वो हमेशा अंकित करनी पड़ेगी उसके लेवल पर। ठीक है, इसके बाद आ गया हैवी मेटल्स की अनुमति योग्य मात्रा का निर्धारण WHO के कंट्रोल मेथड्स फॉर मेडिसिन प्लांट एंड मटेरियल्स के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। आपको ये पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मरकरी की, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मरकरी की रस औषधियों में अनुमति योग्य मात्रा कितनी है? 1 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है कितनी है, 1 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ध्यान से, सेक्शन 159 इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ये क्या है कि ऊपर जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर इनको इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाता है, तो उसका जो ड्रग है वो सस्पेंड कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 159। ठीक है, तो उसके दूसरे ही पॉइंट में क्या बताया है कि अगर किसी लाइसेंसी का ड्रग सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसको जो गवर्नमेंट है उसको एक रिसिप्ट भेजती है। क्या भेजती है? रिसिप्ट, जिसे हम रसीद कहते हैं, तो रिसिप्ट भेजती है। तो उस रिसिप्ट के आने के 3 महीने तक वो जो मैन्युफैक्चरर है वो गवर्नमेंट से अपील कर सकता है उसके लाइसेंस को दोबारा बहाल करने के लिए, दोबारा कार्य क्षम करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद बात करें सेक्शन 161 इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के बारे में। तो इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो वो कोई भी दवाई बनाता है, तो उसे उसमें डाले गए इन्ग्रीडियंट्स की एक लिस्ट उसके लेबल पर हमेशा लिखनी पड़ेगी, और वो जो लिस्ट है वो एक्चुअली मैच करनी चाहिए उसके अंदर जो कंटेंट है, तो तभी वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है। और यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, देयर शैल बी द ट्रू लिस्ट डिस्प्लेड ऑन द लेबल ऑफ द कंटेनर और द पैकेज ऑफ द आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग। ठीक है, द ट्रू लिस्ट ऑफ ऑल इंग्रीडियंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रेपरेशन, जो उस प्रेपरेशन को बनाने में इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उनका नाम उसकी उस लिस्ट में निर्धारित हुआ होना चाहिए जो उसके लेवल पर कोई भी मैन्युफैक्चरर छाप रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है शेड्यूल ई। शेड्यूल ई का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसी ऐसी जड़ी बूटी या फिर ड्रग जो के पॉइजनस है, या फिर ऐसी ड्रग जो चाहे उसका पॉइजनस प्लांट से ओरिजिन है, चाहे पॉइजनस एनिमल से ओरिजिन है, या फिर उसमें कोई
पॉइजनस मिनरल डाला है, तो ऐसी ड्रग के ऊपर उसे मैन्युफैक्चरर को एक चेतावनी लिखनी अनिवार्य है कि टू बी सोल्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, सुपरविजन, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि अगर शेड्यूल ई का मतलब यही है कि अगर किसी भी मेडिसिन में कोई भी जहरीली जहरीला प्लांट या फिर जहरीले एनिमल का कुछ एक्सट्रैक्ट वगैरह या फिर कोई जहरीला जाने के जैसे कि आर्सेनिक वगैरह डाला गया है तो वो ड्रग शेड्यूल ई में मेडिसिन आती है। तो शेड्यूल ई के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर है उसे उसके लेवल पर टू बी सोल्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन ये लिखना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, एक बार आप यहाँ से भी पढ़ लेना, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। देखिए शेड्यूल टी का क्या मतलब है, शेड्यूल टी एंड रूल नंबर जो 157 है, इसका मतलब है गुड मैन्युफैक्चरर प्रैक्टिस इन आयुर्वेद सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। ये आपको याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ड्रग एंड मेडिकल रेमेडीज, उसके बाद ड्रग एंड मेडिकल रेमेडीज के बारे में पूछा जाता है 1954, ठीक है। ये 1954 में, 1954 में पास किया गया था। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, एन एक्ट टू कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन केसेस, टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन परपोजेस ऑफ रेमेडीज एलिज्ड टू पोजेसेस मैजिकल क्वालिटीज एंड प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। देखिए अगर कोई भी बंदा है वो ऐसा कोई मैजिकल मैजिकल क्वालिटीज पोजेसेस करता है, कोई बंदा दावा करता है कि उसके पास कोई मैजिक है, जैसे कई लोग क्या करते हैं पेट पर हाथ रख के पथरी पकड़कर बाहर निकालने का वादा करते हैं, तो ये कोई सत्य बात नहीं है, ये मैजिकल मैजिकल सुनने में मैजिकल लगता है और ये कोई सत्य तथ्य नहीं है, ठीक है, नॉन साइंटिफिक है ये। तो अगर कोई बंदा ऐसे मैजिकल टाइप ऑफ थिंग्स को क्लेम करता है तो वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंडर पुनिशेबल है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको जितना आज की वीडियो में कराया है ये आपको यहाँ से पढ़ना है और पढ़ के अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है, लाइक करनी है, और जो आपको टॉपिक मुश्किल लगते हैं उनके बारे में कमेंट करना है दोस्तों। धन्यवाद।